Please comment in the chat so that I'll understand that you all have been joined now. यस सर यस सर यस करके कमेंट करो चैट पे. Okay, good evening to all. So today we are going to start with our next sheet. That is Python class and objects. This is one of the important topic. See, if I have to explain what is class and what is object. सिंपल वे में हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ आई से क्लास, अगर मैं आपको बोलता हूं फ्रूट, तो फ्रूट का मतलब क्या है आप कैसे समझते हो? तो फ्रूट को समझाने के लिए मुझे आपको एक एप्पल शो करना पड़ेगा या मैंगो शो करना पड़ेगा. फ्रूट इट्सेल्फ इज नथिंग. सो इन द सेम वे क्लास इज अ फ्रूट एंड ऑब्जेक्ट इज एप्पल. मतलब क्लास में अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास इज व्हाट, सो इट इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि फ्रूट अगर हम लोग बोलते हैं तो फ्रूट को जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग बताने के लिए, तो हम लोग को फ्रूट इटसेल्फ इज नथिंग, बट उसको बताने के लिए हमें एप्पल बताना पड़ता है, बनाना बताना पड़ता है, मैंगो बताना पड़ता है. सो दोज एलिमेंट्स और आइटम्स आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. And class itself is an object constructor or a blueprint for creating object. Now the question comes, how we can create a class? Class को कैसे create किया जा सकता है? So एक simple सा इसका syntax है. Is it visible? The screen is visible to you? Yes, sir. क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, उसको क्रिएट कैसे करते हैं क्लास को? क्लास को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा जो कीवर्ड है वो क्लास ही है. सपोज एक क्लास का नाम है माय क्लास, ठीक है. उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डाली एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो मैंने क्लास क्रिएट किया, उस क्लास का नाम क्या है? माई क्लास, ठीक है. और उसमें एक प्रॉपर्टी डाली मैंने x इज इक्वल टू 5. अभी जैसे हम लोग मैंने बताया कि क्लास मतलब फ्रूट एक क्लास है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. बनाना एक ऑब्जेक्ट है, तो क्लास तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग. कैसे क्रिएट किया? माई क्लास, जो माई क्लास है वो क्लास का नाम है. अभी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने क्लास के अंदर एक पैरामीटर डाला x इक्वल टू 5, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ. तो ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल कम आउटसाइड द क्लास, इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास. सो p1 इज माय ऑब्जेक्ट, सो p1 इज इक्वल टू माय क्लास लाइक दिस. इसको मैं सेव कर लेता हूँ. ठीक है, अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट का कमांड ही नहीं दिया हुआ है. अभी जो माय क्लास के अंदर मैंने प्रॉपर्टी डाली है x इज इक्वल टू 5, तो वो जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी. तो ये मुझे आउटपुट पे प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया p1 दैट इज इक्वल टू माय क्लास, ठीक है. तो p1 इज इक्वल टू माय क्लास. अभी जो माय क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी उसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? प्रिंट
वन डॉट एक्स। तो पी वन डॉट एक्स बोला तो वो जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डाली थी क्लास के अंदर वो प्रिंट हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्लास को माई क्लास इज इक्वल टू करके फिर आपने एक्स इक्वल टू फाइव डाला, देन पी वन डाला, फिर प्रिंट किया, क्या जरूरत है उसका? जरूरत कुछ भी नहीं है उसका, बट क्या होता है कि हम लोग ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है क्लास को डिफाइन करने का, क्रिएट करने का, इतना सिंपल नहीं है। मतलब हमें आगे और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी मैं बताने वाला हूँ, बट दिस इज द बेसिक वे टू डिफाइन और क्रिएट अ क्लास, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकली वी वॉन्ट यूज सच वे, प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम लोग अभी। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इनिट फंक्शन बोलते हैं। इनिट, इनिट मतलब जो नाम है वैसा ही है वो, इन इट, IN। अभी जब आप लिखोगे तो आपको एरर आएगा, इसलिए बताता हूँ मैं आपको। इनिट से पहले डबल अंडरस्कोर और इनिट के बाद डबल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर नहीं है ये, डबल अंडरस्कोर है यहाँ पे, और बाद में भी डबल अंडरस्कोर है, और बाद में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये है क्या? द एग्जाम्पल्स अबव आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर नॉट रियली यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। जो ऊपर एग्जाम्पल मैंने जस्ट बताया आपको यहाँ पे रन करके, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है रियल लाइफ एप्लीकेशन में। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ड इन फंक्शन दैट इज इनिट फंक्शन। सो ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट फंक्शन विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। तो जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे उस टाइम में अगर इनिट फंक्शन हम लोग लिखते हैं उसमें तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी क्या एग्जाम्पल देखने वाले हम लोग, क्रिएट अ क्लास नेम्ड फंक्शन नेम्ड पर्सन। अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया आपको, इसमें क्लास का नाम क्या था? माई क्लास। अभी मैं इसको इनिट फंक्शन के थ्रू मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं नया एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसमें मैं क्लास का नाम क्या दूंगा? पर्सन। ठीक है, पर्सन। अभी इस पर्सन के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, उस फंक्शन का नाम है इनिट फंक्शन। ठीक है, इनिट फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ये इसमें डबल इन्वर्ट, ये जो है ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगर मैं इसके अंदर ये कुछ भी नहीं डालता हूँ तो नो आर्ग्यूमेंट आएगा, और जब मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ मतलब आर्ग्यूमेंट पास किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, बाद में मैं इसको कर लूँगा ताकि नोट्स के हिसाब से मेरे को इजी जाएंगे वो। है, क्लास पर्सन डेफ इनिट सेल्फ नेम एज, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ये डिफाइन किया। बाद में यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर इनिट फंक्शन था, मम्मी के पास मोबाइल है, मम्मी के पास जाओ, मैं मम्मी की, मम्मी देगी मोबाइल, जाओ, पापा लेक्चर ले रहे हैं अभी। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। अभी इस क्लास को मैं अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिया, उसको डिफाइन किया डेफ इनिट फंक्शन, उसके अंदर मैंने ये तीन आर्ग्यूमेंट पास किए, एक सेल्फ, एक नेम और एक एज। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसके अंदर मैंने ये दो वेरिएबल्स है, सब पूरे जो एलिमेंट्स है उसको आप आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो, बट अगर इंडिविजुअल देखें तो ये दो एलिमेंट्स है, ये दो वेरिएबल है, एक नेम है एंड एक एज है। ठीक है, अभी क्या होता है जब मैंने इसके अंदर डिफाइन किया तो क्या डिफाइन किया? सेल्फ डॉट नेम दैट इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो यहाँ पे मैं जो फंक्शन के अंदर जो भी लिखना चाहता था वो मैंने लिख दिया है। कौन से फंक्शन के अंदर? इनिट फंक्शन के अंदर। इनिट फंक्शन जो क्लास के अंदर मैंने लिखा, उस फंक्शन के अंदर मैं जो दो चीज, मैं दो पैरामीटर पास करना चाहता था, पास कर दिया मैंने, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज।
अभी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी वन, पी वन इज इक्वल टू पर्सन, पर्सन क्या है मेरे क्लास का नाम है, कैसे मालूम पड़ा, इधर क्लास का नाम देखो पर्सन है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने दो एलिमेंट डाले, एक जॉन डाला और एक 36 डाला। तो जॉन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेम इंडिकेट कर रहा है, 36 क्या इंडिकेट कर रहा है, एज इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वो यहां से कॉलिंग होगा, नेम मतलब जॉन, एज मतलब 36। अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट पी वन डॉट नेम, प्रिंट पी वन डॉट एज, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, पी वन डॉट नेम बोला मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नेम किया, तो नेम मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम मतलब बाय डिफॉल्ट वो जॉन को जाएगा, तो जॉन आउटपुट आएगा आपका प्रिंट में। बाद में पी वन डॉट एज, तो एज मतलब सेल्फ डॉट एज। तो इसके अंदर जो दो एलिमेंट है, जॉन हो गया मतलब ये पहला एलिमेंट इसको बता रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो इसको बता रहा है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ क्या है, व्हाट इज सेल्फ, तो सेल्फ जो होता है एक रेफरेंस होता है, सेल्फ क्या होता है, एक रेफरेंस होता है। आप यहाँ पे नेम जो है, अगर आप दूसरा प्रोग्राम लोगे जिसमें कि आपने क्लास के अंदर एक इनिट फंक्शन डिफाइन किया, तो उसमें आपका ये नेम की जगह पे आप बफेलो कुछ भी लिख सकते हो, एज की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट ये सेल्फ जो रहेगा वो सेल्फ रहने ही वाला है, ठीक है। अभी अगर आपको बोलना पड़े कि सेल्फ क्या होता है, तो द सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इज यूज टू एसेस वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द क्लास। मतलब ये जो वेरिएबल्स है इसको एसेस करने के लिए, इन वेरिएबल्स को एसेस करने के लिए या इन वेरिएबल्स को एसेस करने के लिए हमें इस एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, वो रेफरेंस जो होता है वो सेल्फ होता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम को अगर आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, तो सिंपल है ये, एक मैंने क्लास लिया पर्सन नाम का, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया इनिट फंक्शन, उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास की, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। बाद में उसके अंदर मैंने दिस इज द वे, अगर आगे आपको प्रिंट करवाना है तो डेफ के अंदर सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लिखना ही पड़ेगा, तभी जाके वो वर्क करता है। दिस इज द सिंटैक्स, एज पी वन इज इक्वल टू पर्सन, प्रिंट पी वन डॉट नेम, प्रिंट पी वन डॉट एज, ठीक है। सेव किया इसको, प्रोग्राम का नाम सेकंड दे दिया। अभी देखो अगर मैं इसको रन करूं, सो पी वन डॉट नेम पे जॉन आएगा, पी वन डॉट एज पे 36 आएगा, अगर कोई ऐसा एरर नहीं है, तो एरर नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो जॉन एंड 36 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम में ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। अभी ऑब्जेक्ट मेथड ये क्या है बताता हूं मैं आपको, आपको इंडिविजुअली अभी समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं समराइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो कंटेन मेथड्स, मेथड्स इज इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो कंटेन मेथड्स, मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन दैट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट। मेथड्स होते क्या है वो देखते हैं हम लोग। अभी इस एग्जाम्पल में, नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लोग एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं। क्या होता है, जब यहाँ पे खाली जॉन आ रहा है, 36 आ रहा है, व्हाट इज दिस जॉन एंड 36, तो ठीक है भाई आपको ऐसा समझ में आ रहा है, जॉन इज नेम एंड 36 इज व्हाट, 36 कुछ भी हो सकता है ना, जॉन के शूज का साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा शूज तो नहीं होगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू उसकी हाइट भी नहीं होगी 36, बट तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अलग से फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको कि हम लोग मेथड बोलेंगे, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग जैसे कि प्रिंट हेलो माइन एम नेम इज,
प्लस सेल्फ डॉट नेम ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ पे जब आउटपुट आएगा हमारा तो वहां पे लिखा आएगा हेलो माय नेम इज जॉन। तो इस चीज को डिक्लेयर करने के लिए उस चीज को हम लोग मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेथड क्या है, इंसर्ट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स अ ग्रीटिंग एंड एग्जीक्यूट इट ऑन P1 ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया, ग्रीटिंग के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने डाला हेलो माय नेम इज, तो ये टाइप का ग्रीटिंग हो गया, उसके लिए हम लोगों को एक अलग से फंक्शन लेना पड़ा माय फंक्शन। तो ये जो रहता है दिस इज कॉल्ड एज मेथड। तो ये जो हो गया इनिट फंक्शन हो गया, और जो दूसरा हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया इसको हम लोग मेथड बोलेंगे। ये ग्रीटिंग के लिए बेसिकली यूज करता है, ऑब्जेक्ट को ग्रीट करने के लिए। इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको तो अच्छे समझ में आएगा आपको। अभी जैसे कि यहाँ पे था ये, देन अगेन मेथड इज अ पार्ट ऑफ क्लास, तो हम लोगों को फंक्शन उसके अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा। अभी देखो यहां पे क्या आ रहा है, हेलो माय नेम इज जॉन। क्यों ऐसा खाली नेम ही क्यों आया, एज क्यों नहीं आया, उसका रीजन क्या है? तो पहली चीज तो हम लोग मेथड को समझते हैं इसके अंदर, जो मैंने अलग फंक्शन यूज करके बनाया हुआ है। तो जब मैंने ये यूज किया फंक्शन माय फंक्शन, इसके अंदर क्या लिखा मैंने, प्रिंट हेलो माय नेम इज प्लस सेल्फ डॉट नेम। तो जब मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा तो खाली मुझे आउटपुट पे सेल्फ डॉट नेम ही मिलेगा। सेल्फ डॉट नेम क्या है, दैट इज इक्वल टू नेम। तो नेम क्या है, यहाँ पे पास कर रहा हूं मैं नेम की जगह पे जॉन। तो हेलो माय नेम इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉन। ठीक है, बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, p1 डॉट माय फंक्शन, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ रिलेट कर रहा हूं। तो इस ऑब्जेक्ट में p1 में, और ये तो हेलो माय नेम इज, और उसके आगे p1 में यहाँ पे क्या है, जॉन। तो यहाँ पे जॉन आ जाएगा क्योंकि सेल्फ डॉट नेम जो है वो नेम इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे दो ही हमारे पास पैरामीटर्स है, यदि नेम एंड एज, तो नेम की जगह पे नेम ही आएगा। अभी सपोज ये इसके अंदर मुझे एज भी डालना है तो क्या करना पड़ेगा, हेलो माई एज इज, तो सेल्फ डॉट एज यहां पे जो लिखा है आपने, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दो बार डालना पड़ेगा हमें, एक बार डालना पड़ेगा p1 my function, ठीक है मैं एक बार करके देखता हूं। इधर ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये जो है ना, ये कॉन्कैटिनेट का साइन है, तो जहां पे हमारा स्ट्रिंग था ये, वहां पे कॉन्कैटिनेशन ठीक है, जहां पे हमारे पास नंबर है वहां पे कॉन्कैटिनेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्टली कॉमा डाल के भी काम चला सकते हैं। देखो आ गया। तो अगर मैंने ये नहीं डाला होता और फिर मैंने रन किया होता तो मुझे प्रिंट p1 डॉट नेम, प्रिंट p1 डॉट एज ऐसा लिखना पड़ता, तो खाली मुझे आउटपुट पे जॉन और नीचे 36 मिलता मुझे। बट मुझे ग्रीटिंग के साथ चाहिए, तो हेलो माय नेम इज, ग्रीटिंग के लिए मैंने अलग से एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इस चीज को हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है। एंड उसमें अंदर फिर मैंने लिखा हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम डाला तो वहाँ पे आ रहा है हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम, मतलब जॉन, एंड देन हेलो माय एज इज सेल्फ डॉट एज, तो 36। यहाँ से ये जो कॉल किया जॉन एंड 36, वो पर्सन के का है, पर्सन की आइडेंटिटी, पर्सन है वो और उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो जॉन और उसकी एज क्या है, 36। तो आइडेंटिटी कैसे मालूम पड़ती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर उसकी आइडेंटिटी मिलती है। फ्रूट हो गया हमारा और वो एप्पल है, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मालूम पड़ेगा। और इन दोनों को एक फंक्शन के अंदर डाला था, इसलिए हमें दो लाइन नहीं लिखनी पड़ी यहाँ पे, p1 डॉट नेम प्रिंट p1 डॉट नेम एक ही के अंदर हो गया, p1 डॉट माय फंक्शन, क्योंकि माय फंक्शन के अंदर मैंने दोनों स्टेटमेंट डाल रखी है। नहीं तो मुझे p1 डॉट प्रिंट p1 डॉट समथिंग क्या बोल रहे थे, नेम या प्रिंट p1 डॉट एज ऐसा लिखना पड़ता, ठीक है।
अभी क्या नेक्स्ट क्या, डिलीट ऑब्जेक्ट। डिलीट ऑब्जेक्ट मतलब एम आई ऑडिबल ना? यस सर। व्हाट इज डिलीट ऑब्जेक्ट? तो अगर मैंने जैसे P1 एक ऑब्जेक्ट का नाम डाला तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं कैसे डिलीट करेंगे? तो सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने अगर डिलीट P1 डाला, अब मैं अगर रन करता हूँ क्या बता रहा है, P1 इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि उसने डिफाइंड उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो डिलीट ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए DEL वाइट स्पेस P1 जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो। ठीक है, आप चाहो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो, या आप चाहो तो एक उसका एक पैरामीटर या एक आर्गुमेंट जो है वो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट डिलीट करने के लिए या एक पैरामीटर डिलीट करने के लिए P1.age या P1.name, del P1.age P1.name ऐसा लिख के कर सकते हो आप। ठीक है, या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो डेल पी वन भी लिख के डिलीट कर सकते हो आप। सो इसमें हम लोग जस्ट एक चीज देखी हम लोगों ने, तो क्लास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड जो है क्लास ही है, उसके बाद उसका नाम, और इसमें क्लास में हम लोग ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डालते हैं, सीधा सेमी कॉलन से एंड करते हैं हम लोग, सॉरी कॉलन से एंड करते हैं, और उसके अंदर फिर हम लोग इनिट फंक्शन डिफाइन करके, और जब उसके इनिट फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाता है, उसके पैरामीटर्स डिफाइन हो जाते हैं, बाहर निकल के फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या चाहिए आउटपुट पे, उस पे अगर हमें मेथड यूज किया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग मेथड को एक फंक्शन में डाल के और उस फंक्शन के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। जब हम लोग और प्रोग्राम्स देखेंगे या कुछ बाकी चीजें देखेंगे, देन यू विल मोर अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्जेक्ट एंड क्लास। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टास्क शीट, टास्क शीट नंबर 15, पाइथन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तो सिंपल से बात है कि मेरे अंदर मेरे फादर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, तो दैट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग दूसरा क्लास डिफाइन जो कर रहे हैं उसमें अगर हमारे पास सपोज एक नया क्लास लिया है मैंने, उस क्लास में मुझे कुछ चीजें चाहिए जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वाले क्लास में डिफाइन कर रखी हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो वापस से उस क्लास में लिखने से अच्छा है मैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज करके उस क्लास की प्रॉपर्टी को मैं दूसरे वाले क्लास में यूज कर सकता हूँ। तो इसके अंदर दो क्लास होता है, एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। चाइल्ड क्लास को हम लोग डिराइव क्लास भी बोलते हैं एंड पेरेंट क्लास को हम लोग बेस क्लास भी बोलते हैं। पेरेंट क्लास कौन सा क्लास होता है? इस क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, ठीक है, जिससे कि हम लोग मेन क्लास जो है हमारा जिसमें कि सब कुछ डिफाइंड है, दैट इज योर पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास मतलब क्या हो गया, इज द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, जो कि दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी लेगा या दूसरे क्लास से निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास। अभी पेरेंट क्लास कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? सो एनी क्लास कैन बी अ पेरेंट क्लास, सो द सिंटेक्स इज सेम एज क्रिएटिंग एनी अदर क्लास। मतलब हम लोग कोई एक नॉर्मल क्लास डिफाइन जैसे करते हैं वैसे ही वो क्लास होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैंने एक अभी जो बताया आपको एग्जाम्पल, ये तो इसके अंदर ये जो पर्सन है वो पेरेंट क्लास हो गया। हाँ, इसके अंदर सपोज मैं एक दूसरा अभी नीचे एक क्लास डिफाइन करता हूँ जिसमें कि मैं स्टूडेंट लेता हूँ, और स्टूडेंट में मेरा एक जॉन करके एक लड़का है, स्टूडेंट है, तो ये सारी चीजें उसका नाम भी जॉन है, उसका एज भी 36 है, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा पर्सन क्लास को उसके अंदर क्लास स्टूडेंट के अंदर वहां पे कॉल कर दूंगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी वहां पे एज इट इज आ जाएंगी, मुझे वापस एक कोड पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी जो क्लास होता है जनरल कोई भी एक क्लास है दैट इज बाय डिफॉल्ट अ पेरेंट क्लास। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास, सो द सिंटेक्स इज सेम एज क्रिएटिंग एनी अदर क्लास।
क्रिएट ए क्लास नेम पर्सन, एक क्लास क्रिएट करना है नेम पर्सन विथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज एंड प्रिंट नेम मेथड। ठीक है, तो एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं मैं जिसका नाम है पर्सन, ये जो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ रही होंगी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बिफोर गोइंग अहेड मुझे खाली इतना बताओ, मुझे समझ में तो आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमारे इस प्रोग्राम में जो अभी आपको फिलहाल मॉनिटर पे दिख रहा है उसमें हमारे क्लास का क्या नाम है? क्लास का नाम क्या है? पर्सन 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 इज द नेम ऑफ क्लास, पर्सन इज द नेम ऑफ क्लास, गुड। एंड एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ है, कौन से लाइन में मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है? एक्स इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम लोग क्लास ले रहे हैं क्लास का नाम क्या है हमारा? पर्सन है क्लास का नाम। फिर से सुन लो एक बार, एक बार में नहीं समझ में आता है मुझे मालूम है, फिर से समझ लो। ये देखो ये क्लास है, ये पर्सन क्लास का नाम हो गया। ठीक है, बाद में उसके अंदर हम लोग कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ओके, ये सब क्लास का पार्ट है। बाद में इसके बाहर आके फिर मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ। बाहर क्यों बोला? क्योंकि जब कॉलन आता है तो उसके अंदर एक इंटेंड आ जाता है, व्हाइट स्पेस आ जाता है, लेकिन जब आप व्हाइट स्पेस में नहीं लिख रहे हो उसको, उसका मतलब ये इसके बाहर है, क्लास के बाहर है। तो ये जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाता है एक्स। उससे पहले वाले प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे पर्सन का नाम जो था वो क्लास था और P1 जो था वो ऑब्जेक्ट था हमारा। ठीक है, इससे पहले वाले प्रोग्राम में देखें तो माई क्लास इज द नेम ऑफ क्लास एंड P1 इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? यस सर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कैसे कोरिलेशन है? तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी एक छोटा सा जो प्रोग्राम है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो ये प्रोग्राम किस चीज का है? तो क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन, मतलब एक क्लास क्रिएट करना है जिसका क्लास का नाम होगा पर्सन विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज, विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज एंड प्रिंट नेम मेथड। हेलो सर, हाँ हम इसमें एज नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्या? एज भी एज डिफाइन कर सकते हैं ना। अभी एज का एक मैंने दिखाया है आपको ऑलरेडी, तो इसके अंदर मैंने एज नहीं लिखा है। आगे मैं इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि इसी के लिए एग्जांपल लिया इसके अंदर कि एक ये जो है पेरेंट वाला जो है उसके अंदर मैंने क्या किया है, खाली फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया हुआ है और फिर मैं इसका क्या करूंगा, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करूंगा जिसमें कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरेंट होगी, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो होगा बट चाइल्ड नेम में मैं क्या करने वाला हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है ना या एज वो ले लूंगा मैं, चलेगा? इसी के लिए एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, ओके सर। तो अभी क्या किया है क्लास की ये किया है, इसको हम रन करते हैं। जॉन डोए कैसे आया ये? तो क्लास पर्सन है, उसके अंदर इनिट फंक्शन है, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये जो होता है एफ नेम वो यहाँ पे आना चाहिए।
सर ली So, there was some network issue. My screen is visible to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So I have created a simple class और उस class के अंदर मैंने एक person का नाम, first name and last name print करवाया है, ठीक है? अभी मैं क्या करने वाला हूँ, next आगे देखते हैं। इसका John Doe नाम का person है। अभी इसमें क्या बोला है, create a child class। अभी हम child class create करेंगे, ठीक है? To create a class that inherits the functionality from another class and send parent class as parameter when creating the child class. तो इसमें क्या करेंगे, जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स कुछ लेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, मैं दूसरा क्लास जो क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको कि मैं चाइल्ड क्लास बोल रहा हूँ, उस क्लास का नाम रहेगा स्टूडेंट। क्या नाम है चाइल्ड क्लास का, नाम क्या रहेगा? स्टूडेंट। और उसमें मुझे जो हमारा पहला वाला क्लास था पर्सन, उसके सारे के सारे प्रॉपर्टी एज इट इज पास करने और कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, हमें एक क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट नाम की, जिसमें कि एक स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है। तो जब मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है पर्सन नाम से, तो वापस से क्लास में मैं पूरे पूरे लाइन कोड क्यों लिखूं? तो मैं क्या करूंगा, क्लास स्टूडेंट क्या हुआ, सब क्या बोलेंगे, कितनी कैसी, मोबाइल जरा ले लो ना, तुम लो इधर इधर ही बैठ के लाइंस देखो। लो इधर बैठो, लो वॉल्यूम कम कर दो सर।
मैं क्या करूंगा, खाली पास कीवर्ड ये पास करूंगा, लिखूंगा, तो सारी प्रॉपर्टी एज इट इज उसमें आ जाएंगे। सेव किया तो ये ऑलरेडी इसका ही आउटपुट था, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, यूज पास कीवर्ड व्हेन यू डोंट वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टी और मेथड टू द क्लास। नाउ द स्टूडेंट क्लास हैज द सेम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एज द पर्सन क्लास। तो जो पर्सन क्लास था यहाँ पे उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी वो स्टूडेंट क्लास की सेम हो गई है। ठीक है, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आउटपुट जो स्टूडेंट क्लास का है कि पर्सन क्लास का है, तो हम लोग स्टूडेंट क्लास में एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं तो हमें समझ में आएगा फिर। ठीक है, यूज स्टूडेंट क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट द प्रिंट नेम मेथड। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट माइक कॉमा ऑल्सन, ये फर्स्ट नेम है स्टूडेंट का और ऑल्सन उसका लास्ट नेम है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अभी देखो ये क्या हो रहा है आपको बताता हूं मैं। जब मैं बोल रहा हूं कि पास किया मैंने, यहां पे लिखा तो क्या पास किया, तो ये जो जनरल है ये सारे के सारे यहाँ पे इन जो कितने 1 2 3 4 5 जो क्लास के अंदर की जो लाइंस है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सब इसके अंदर आ गई है विद द हेल्प ऑफ दिस वन कीवर्ड दैट इज पास। बट ये जो है ये मैं चाहूं तो ये फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है तो पर्सन के अंदर जो है वो जॉन एंड डोई आ रहा है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्टूडेंट कीवर्ड के ऊपर स्टूडेंट क्लास के बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं इसीलिए। तो स्टूडेंट का नाम क्या लिखा, माइक ऑल्सन। ठीक है, और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स डॉट प्रिंट नेम, तो इससे क्या हो गया, तो ये जो है माइक एंड ऑल्सन ये प्रिंट हो रहा है। बट यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे भी मैंने एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर एक्स डॉट प्रिंट नेम दिया है, तो ये भी आ रहा है आउटपुट पे और ये भी आ रहा है। हम लोग दो चीज करने वाले हैं, मैं इसको वाई लिख लेता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मैं करके देखा नहीं है बट वी कैन आई थिंक कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, सेम आ गया। अगर आपको सपोज इसका ही आउटपुट देखना है स्टूडेंट का, तो क्या करो, इसको सिंपल सा फंडा है, इसको आप कमेंट में डाल दो, तो अभी आपको खाली स्टूडेंट का ही आउटपुट, स्टूडेंट क्लास का ही आउटपुट प्रिंट आएगा, माइक ऑल्सन। नाउ एट द इनिट फंक्शन, अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे पास नहीं यूज करना है, मुझे इसके अलग फंक्शंस लिखने हैं स्टूडेंट क्लास के। मतलब जैसे कि आपने पूछा कि सर हम इसके अंदर एज नहीं लिख सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अभी तीन पैरामीटर मेरे स्टूडेंट के अंदर डालूंगा मैं क्लास के अंदर, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एक उसका कुछ तीसरा में एज या तो डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ, वैसे ही करेंगे हम लोग। सो फार वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। वी वॉन्ट टू एड इनिट फंक्शन टू द चाइल्ड क्लास इंस्टेड ऑफ पास कीवर्ड। हम लोग एक अलग से इनिट फंक्शन चाइल्ड क्लास के अंदर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ पास कीवर्ड। द इनिट फंक्शन इज ऑटोमेटिकली एवरी टाइम इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो क्या करना क्या है, हमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसके अंदर पर्सन के अंदर हम लोगों ने इनिट फंक्शन यूज किया है, स्टूडेंट के अंदर इनिट फंक्शन यूज नहीं किया है। अभी हमारा जो चाइल्ड क्लास है जिसको कि हम लोग स्टूडेंट क्लास नाम दिया हुआ है, उसके अंदर इनिट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, क्या बोला, इसके अंदर क्लास स्टूडेंट पर्सन, पर्सन क्यों, क्योंकि पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज हमें इसके अंदर लेनी है, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा एफ नेम कॉमा एल नेम। When you add init function, the child class will no longer inherit the parent's init function. अगर मैंने इसके अंदर
ये वाला फंक्शन लिख दिया ऐसा, तब ये जो है स्टूडेंट, नाउ इट इज नॉट गुड, भले मैंने उसको ब्रैकेट में पर्सन डाला हुआ है, तभी वो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका खुद के फंक्शंस डिफाइन कर दिए यहाँ पे। सपोज मैंने डेफ लिख के बाद में ये जो है एज इट इज, या इसमें एक और चीज मैंने ऐड कर दी समथिंग लाइक दैट, तो भी क्या कर रहे हैं, खुद का एक इनिट फंक्शन हो गया स्टूडेंट का। तो भले मैंने स्टूडेंट ब्रैकेट में पर्सन लिखा है, तो भी वो पर्सन के कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज को इसके अंदर नहीं रखेगा, ये इसके इंडिविजुअल अभी खुद का फंक्शन आ गया है। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए कि पर्सन की प्रॉपर्टीज या पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट क्लास में आनी चाहिए, तो उसके लिए भी फिर आगे क्या है देखते हैं हम लोग। तो क्लास स्टूडेंट पर्सन, तो इसके अंदर हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, पर्सन डॉट इनिट सेल्फ कॉमा एफ नेम एल नेम, ठीक है। तो ये अगर मैंने डाल दिया लाइन, तो उससे क्या होगा कि वो यहाँ पे आएगा तो देखेगा कि नया क्लास स्टार्ट हो गया, ऊपर में ऑलरेडी एक क्लास है, और इस लाइन में जो क्लास है स्टूडेंट है, बट उसके अंदर पर्सन है, ठीक है, मतलब ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आगे चाहता है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इसके अंदर आए, बट वो देखेगा इसका खुद का फंक्शन है, खुद का इनिट फंक्शन है स्टूडेंट का, तो फिर वो रुक जाएगा, फिर वो क्या करेगा इसकी प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट क्लास की नहीं लेने देगा। फिर वो नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तब देखेगा कि अच्छा पर्सन डॉट लिखा हुआ है, मतलब जो पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, और ये वाला सिंटेक्स जैसे इसने देखा कि इसने यूज किया हुआ है, तब वो क्या करेगा फिर ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी यहाँ पे कॉपी करने को अलाउ करेगा। बट अभी तक जो भी मैंने लिखा है उसके अंदर इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एफ नेम और एल नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एफ नेम एल नेम ही है, ठीक है, और हमारे जो पर्सन क्लास है उसमें भी एफ नेम एल नेम ही है, मतलब जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास जो है उसमें इतना लाइन लिखने के बावजूद भी हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए, पर्सन और स्टूडेंट जो है हमारा दोनों क्लास ऑलमोस्ट सेम ही है। आगे देखते हैं क्या करना है फिर हमें। नाउ वी हैव सक्सेसफुली एडेड द इनिट फंक्शन एंड केप्ट द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट क्लास एंड वी आर रेडी टू एड फंक्शनैलिटी इन द इनिट फंक्शन। अभी क्या करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने जैसे ये वाली लाइन डाली पर्सन डॉट करके, तब इसने क्या किया कि नया क्लास का फंक्शन भी डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, और जो पेरेंट क्लास था उसकी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर रह गई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, ठीक है। आगे क्या करना है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो आदमी है माइक ओल्सन, उसका ईयर ऑफ पास आउट क्या, ग्रेजुएशन ईयर क्या है, वो डाल देता हूं मैं इसके अंदर। तो क्या किया मैंने, क्लास स्टूडेंट पर्सन डेफ इनिट सेल्फ कॉमा एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा ईयर, ये मैं जैसे ही डालता हूं यहां पे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, पेरेंट के कौन कौन से, पेरेंट में क्या है, तो सेल्फ में एफ नेम और एल नेम ही है, तो यहाँ पे क्या होगा पेरेंट में हम लोगों ने खाली यही दो है, तो इसलिए हम लोग क्या है पेरेंट जो का जो नाम है पर्सन डॉट इनिट सेल्फ एफ नेम एल नेम वो लिखा हम लोगों ने। बट मुझे स्टूडेंट के फंक्शन में क्या डाल दिया, एक मैंने ईयर डाल दिया है मैंने, ठीक है, ये चेंज किया मैंने। आगे क्या चेंज करना है, अभी मैं इसके अंदर मेथड भी डाल रहा हूँ, मेथड का नाम क्या है वेलकम, किस लिए, ग्रीटिंग के लिए। तो अभी ये जो लाइन है ये क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट के अंदर मैंने एक और तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वेलकम लिखा हुआ आएगा, बाद में सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम जब आएगा तो क्या होगा वो, मैंने एक लाइन नहीं ऐड की है, एक सेकेंड, क्योंकि ये क्यों डाला मैंने, क्योंकि ये ईयर जो है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा ईयर क्या है, तो सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, बाकी का जो है एफ नेम वो यहाँ से मिल जाएगा, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, एल नेम जो है सेल्फ डॉट लास्ट नेम, यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अभी क्या है, वेलकम जो मेथड यूज किया है उसमें लिखा है वेलकम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा वेलकम फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम मतलब माइक लास्ट नेम ओल्सन, तो वेलकम माइक ओल्सन टू द क्लास ऑफ सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, तो ईयर क्लास ऑफ जो भी यहाँ पे ईयर डालेंगे हम लोग 1988 या 2021,
ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल सुनील मेंदे 2021, तो वेलकम सुनील मेंदे टू द क्लास ऑफ 2021 बैच, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यू ऐड अ मेथड इन द चाइल्ड क्लास विद द सेम नेम एज अ फंक्शन इन द पेरेंट क्लास, द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट मेथड विल बी ओवरराइडन। अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। हाँ, एक इसके अंदर मिस हो रहा माइक ओल्सन। ओके, इसके अंदर ईयर नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? अभी आया क्योंकि मैं मेथड को यूज ही नहीं किया मैंने, तो मेथड नहीं यूज किया तब तक नहीं आएगा वो। अभी मैंने मेथड यूज किया, वेलकम यहाँ पे लिखा वाई डॉट वेलकम, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम माइक सेल्फ डॉट लास्ट नेम ओल्सन टू द क्लास ऑफ सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर क्लास ऑफ 1988। ठीक है, तो जिस मैं समराइज करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजी इजिली। सिंपल है, क्लास को डिफाइन करना है तो हम लोग क्लास को क्लास कीवर्ड के साथ क्लास का जो भी नाम देना है वो विथ कॉलन, और उसको एक प्रॉपर्टी दे देंगे हम लोग एक्स इज इक्वल टू 5 या जो भी देना है आपको। बाद में उसको प्रिंट कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पी वन इज इक्वल टू माई क्लास डबल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर मैंने कुछ भी पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर रहेगा वो आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आर्गुमेंट पास कर सकते हो। आर्गुमेंट कब पास करेंगे? जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे तब। ठीक है, प्रिंट पी वन डॉट एक्स किया तो सिंपल सा फंक्शन का आउटपुट आ गया 5 5। एक सिंपल वे है किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए। दूसरा जो है क्लास पर्सन, एक दूसरा क्लास लिया हम लोगों ने, नया प्रोग्राम है पर्सन का, उसके अंदर हम लोगों ने एक इनिट फंक्शन डिफाइन किया। दिस इज द एक्चुअल वे टू डिफाइनिंग एनी क्लास, टू मेक टू क्रिएट एनी क्लास। उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किए, एक नेम और एक एज। सेल्फ क्या होता है? रेफरेंस होता है, जिसके थ्रू हम लोग इन पैरामीटर को आगे कॉल करके प्रिंट करवाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो उसको सेल्फ डॉट नेम, ये नेम क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हो एक्स वाई जेड। जो यहाँ पे जो आप डाल रहे हो ये चीज एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है, जो आप यहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे अगर आपने पी डाला तो यहाँ पे भी पी आएगा, यहाँ पे आपने क्यू डाला तो यहाँ पे भी क्यू आएगा। मेक श्योर कि सेल्फ वो कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, सेल्फ सेल्फ ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ऐसे चीज आएगा, ये वर्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, और जो आप लिखोगे ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ समझ जाएगा कि वो नेम की बात हो रही है। नेम से मतलब नेम, नेम मतलब यहाँ पे जॉन, एज मतलब ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट, सेकेंड मतलब 36। तो पर्सन क्लास जो है उसके अंदर जो पहला पैरामीटर है वो नेम है, वो क्या है, जॉन है। पर्सन क्लास में जो दूसरा पैरामीटर है वो एज है, वो क्या है, 36। डिफाइनिंग फंक्शन, माय फंक्शन सेल्फ प्रिंट हेलो माय नेम इज प्लस सेल्फ डॉट नेम, हेलो माय एज इज सेल्फ डॉट एज। ठीक है, पी वन इज इक्वल टू पर्सन जॉन कॉमा 36 पी वन डॉट माई फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए जॉन एंड 36, तो वो नेम की जगह पे जॉन समझ रहा है और एज की जगह पे 36 समझ रहा है। पी
वन डॉट माई फंक्शन क्यों किया, बिकॉज मैंने मेथड यूज किया है माई फंक्शन, जिसके कारण कि मैं ग्रीटिंग दे रहा हूँ, हेलो माई नेम इज, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे माई फंक्शन यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हेलो माई नेम इज ये आ जाएगा, नेम मतलब नेम जॉन, हेलो माई एज इज 36 आ जाएगा, हेलो माई नेम इज जॉन, हेलो माई एज इज 36, ठीक है। फिर तीसरा क्या यूज किया कि सपोज हमने इतना काम किया है, एज और ये नाम लिखा है, अभी तीसरे मुझे सपोज कुछ और करना है, उसका स्कूल का नाम डालना है, इतना ही चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्लास को एज इट इज रहने दूंगा, इसके नीचे एक दूसरा क्लास ले लूंगा मैं, स्टूडेंट करके या स्कूल करके, क्लास स्कूल, और उसके अंदर एक अलग फंक्शन क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर फिर मैं पर्सन डॉट डबल इन्वर्टेड डबल सॉरी ये अंडरस्कोर इनिट फंक्शन, और खाली ये सारी चीजें रहने दूंगा, और कॉमा करके मैं स्कूल नेम डाल दूंगा, और फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट स्कूल नेम इज इक्वल टू स्कूल नेम, और यहाँ पे माई फंक्शन में फिर एक लाइन और ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो है पर्सन की मुझे वापस से टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वो एज इट इज होएगा। तो वही हमने थर्ड में किया हुआ है, ये जो है हमारा पेरेंट क्लास है, ठीक है, और बाद में ये जो होता है हमारा, ये स्टूडेंट जो है हमारा चाइल्ड क्लास है। तो इसके अंदर मैंने खुद का स्टूडेंट का एक अलग से क्रिएट कर लिया है, क्या, तो फंक्शन क्रिएट किया इनिट, उसके अंदर मैंने एक अलग से पैरामीटर लिया ईयर, जो कि पेरेंट क्लास में नहीं है, बट जैसे ही मैं ये अलग से स्टूडेंट के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर मैं दूसरा इनिट फंक्शन लेता हूँ, तुरंत ही वो क्या करता है, जैसे ही बेटा बाप से लड़ना शुरू किया, बाप क्या करता है, भूल जाता है बेटे को। तो जैसे ही आपने इसका खुद का इनिट फंक्शन ले लिया, मतलब आप खुद की प्रॉपर्टी बेटा क्रिएट कर रहे हो, बाप बोलेगा फिर मेरी प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है तेरे को, तो वो क्या करेगा, वो अपने फिर इसकी प्रॉपर्टी इसमें कॉपी नहीं हो सकती है। फिर बेटा क्या बोलेगा बाप को, पापा मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, बट आपके नाम से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में फिर वो देखेगा, नहीं मेरा ही नाम यूज किया है उसके अंदर उसने, तो पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास का नाम है, तो उसने जैसे ये देखेगा ये है, तब वो क्या करेगा, ठीक है भाई मैं तेरे को थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ मैं मेरी प्रॉपर्टी से, तो अपनी प्रॉपर्टी का जो एफ नेम है और लास्ट नेम है वो दे देगा। जैसे कि इसमें हम लोगों ने दो ही प्रॉपर्टी यूज की है, एफ नेम एंड एल नेम, तो पेरेंट का ये दो प्रॉपर्टी हमें वापस से नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ये जो दो लाइन है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वजह से, ठीक है। बाद में आपको ग्रीटिंग कैसे करना है, उसके लिए आप मेथड क्रिएट कर लो, अलग से फंक्शन क्रिएट करो वेलकम, फिर उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दो, तो आउटपुट पे आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। खाली जहाँ पे जो लिखना है वहाँ पे आप ये नाम दे दो, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वाई, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट माइक ओल्सन 1988, तो 1988 क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ईयर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको वाई डॉट वेलकम लिखता हूँ, मतलब मेथड के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, वेलकम माइक ऑल्सन टू द क्लास ऑफ 1988। ये जो प्रोग्राम है आपको बता रहा है कि कैसे हम लोग पेरेंट क्लास के इनहेरेंट्स को स्टूडेंट चाइल्ड क्लास के इनहेरेंट में डालते हैं, मतलब कॉपी करते हैं या ऐड करते हैं या पास करते हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी पास नहीं करना है, तो डायरेक्टली मतलब आपको एज इट इज इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, तो जो पेरेंट क्लास का है वही एज इट इज इसमें लिखना है, तो खाली आप पास डाल दो यहाँ पे, जैसे ही आप इतने लाइन पास डालोगे तो समझ जाएगा कि वो जो पेरेंट का है वही चाइल्ड का डालना है, मतलब लड़का बोल देता है पिताजी बोल को कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं आपका ही बिजनेस चलाने वाला हूँ, उसमें कुछ ऐड भी नहीं करूंगा, तो मैं नौकरी नहीं मिल रही है, तो पेरेंट बोलता है ठीक है मैं तू मेरे से पैसे से काम चला, तो वो अपना पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे जब छापना होता है तो वो खाली बोलता है इतना नाटक करने की क्या जरूरत है कि मैंने इतना डिग्री लिया है ये करने, जो घर पे निकम्मा बैठना है, तो खाली पास लिखते हैं यहाँ पे, इतना यहाँ पे पास लिख देगा, तो पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी है सब चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी में, चाइल्ड क्लास में चली जाएगी फिर, ठीक है। और हमेशा हमें अलग से क्लास लगता ही है, ऑब्जेक्ट लगेगा ही उसके आउटपुट को शो करने के लिए या प्रिंट करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वाई लिया है, आप जेड से भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस पे ही आएंगी। तो ये हम लोगों ने दो टास्क शीट खत्म की अभी तक, जिसमें कि मैंने आपको तो एक मैंने आपको बताया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, एक बताया मैंने इनहेरेंट का, थोड़ा सा और हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इसके बारे में,
बट आज का जो ये नया टॉपिक था, तो थोड़ा सा मैं जो ये लिया है आगे का, और थोड़ा सा एक मॉड्यूल है उसका, वो हम लोग समझेंगे आगे। अभी मैं नया एक टास्क शीट लेता हूँ जो अलग है थोड़ा सा, ठीक है? वो है पाइथन डेट्स। पाइथन डेट क्या होता है? तो पाइथन प्रोवाइड्स डेट टाइम मॉड्यूल वर्क विथ रियल डेट्स एंड टाइम्स। मतलब आप पाइथन में आप जो है ना सिंटैक्स या कमांड डाल के आप रियल टाइम और डेट पता कर सकते हो। अ डेट इन पाइथन इज नॉट अ डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन, बट वी कैन इंपोर्ट अ मॉड्यूल नेम्ड डेटा डेट टाइम। टू वर्क विथ डेट्स एज डेट ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली आपने अगर ये सिंटेक्स लिखा तो उसको समझेगा नहीं। तो क्या करना पड़ता है हमें, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। डेट टाइम, जैसे कि मेरे को अभी का डेट टाइम करना है, तो मैं इंपोर्ट डेट टाइम ऐसा किया मैंने, और मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। प्रिंट x, वो बता रहा है यहाँ पे कि आज 10 जुलाई है, अभी टाइम जो हो रहा है वो 9:18:23। तो रियल टाइम बता रहा है आपको डेट के साथ। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, डेट टाइम डॉट नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो डेट इंपोर्ट का नाम है लाइब्रेरी का, इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगर आपको ईयर एंड वीकडे भी चाहिए तो भी पॉसिबल है, तो वो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है। अगर आपको ईयर और वीकडे चाहिए और वो भी डिफरेंट वे से चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि मैं अभी एक काम कर रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एक्स डॉट ईयर, उसमें ईयर का नाम बता दिया 2021। अगर मैंने ऐसा लिखा तो सैटरडे आ गया, ठीक है? अभी ये जो सिंटेक्स है कमांड, ये क्या है, स्ट्रिंग एफ टाइम, str एफ टाइम। अभी एक दो चीज मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये देखो, ये उस ऊपर वाली लाइन ही है, खाली में जो परसेंट ए है उसको मैं क्या करता हूं, कैपिटल बी लिख देता हूं एक ही जगह पे। ये क्या हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है? अगर मैंने वहां पे स्मॉल ए डाल दिया तो क्या हो गया, सेट। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करो पहले। ये स्ट्रिंग एफ टाइम का मतलब क्या होता है कि वो टाइम की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको स्ट्रिंग फॉर्म में आउटपुट पे दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे जब मैंने परसेंट ए दिया तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो सैटरडे जो वीकडे है वो बताया उसने, पूरा कंप्लीट बताया सैटरडे। अगर वही मैंने परसेंट ए का कैप्स नहीं स्मॉल में डाला होता तो उसने सैट लिख के दिया होता, ठीक है? दूसरा क्या, परसेंट बी जब डालते हैं हम लोग तो उसमें वो जुलाई मंथ बताता है वो, ठीक है? इस वजह से आप बोलोगे सर और कौन कौन से है, तो बहुत सारे हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इस टेबल में आप देख सकते हो स्मॉल ए डाला है, परसेंट स्मॉल ए किसके अंदर, तो प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिंग एफ टाइम के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंट स्मॉल ए डाला है, तो वो बताएगा आपको
वीकडे शॉर्ट वर्जन, मतलब अगर आज सैटरडे है तो SAT दिखाएगा, अगर परसेंट ए लिखा है कैपिटल में ए लिखा है तो वीकडे बताएगा फुल वर्जन, मतलब वेनेसडे पूरा बताएगा वो, या सैटरडे पूरा बताएगा। परसेंट डब्ल्यू है तो क्या वीक डे एज ए नंबर, मतलब सैटरडे है तो क्या यहाँ पे 6 बताएगा, वेनेसडे होता है तो 3 बताएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एज 0, मतलब संडे को वो 0 लेके बताएगा वो, ठीक है। 0 to 6 लेता है वो, 1 to 7 नहीं, 0 to 6 लेता है, 0 विथ संडे। परसेंट डी, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ मतलब कि कौन सा दिन है, सपोज आज कौन सा दिन है, आज टुडे इज 10, तो मैं परसेंट स्मॉल डी लिया मैंने, बस 10 बताएगा वो ऐसे। तो इस वजह से ईयर के लिए परसेंट वाई, आवर्स के लिए परसेंट एच, अगर आपको 24 आवर्स में चाहिए तो कैपिटल एच स्मॉल, और 12 आवर्स में चाहिए तो परसेंट आई, एम पी एम देखना है तो परसेंट पी, इस वजह से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज है कि अगर मैंने मान लो ये जो कमांड है फॉर आई इन रेंज, मुझे जनरल बताओ इसका आंसर क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, ये पहले पढ़ा हुआ है आपने, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ इसका आउटपुट मुझे बताओ, तो इसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट आ गया, क्योंकि ये क्या होता है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 5 प्रिंट आई, मतलब क्या हो गया 0 1 2 3 4, और आई इन रेंज, तो ये ऐसे किया, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि वो पहले 0 प्रिंट करे, फिर 1 सेकेंड रुके, फिर 1 प्रिंट करे, फिर 1 सेकेंड रुके, फिर 2 प्रिंट करे, फिर 1 सेकेंड रुके, फिर 3, फिर 1 सेकेंड। तो उसके लिए कमांड क्या है, टाइम डॉट स्लिप, अगर मैंने टाइम डॉट स्लिप डाल दिया तब यहाँ पे ओके अच्छा हाँ, इम्पोर्ट नहीं किया, लाइब्रेरी इम्पोर्ट नहीं की, इम्पोर्ट टाइम, इसके लिए मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको, समझा क्या, दिखा गया आपको, मतलब लूप का जो है 0 to 5 में उसने प्रिंट किया, बट वो टाइम डॉट स्लिप लाइन डालने से वो एक यहाँ ब्रैकेट में 1 डाला है, तो वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो 1 1 सेकेंड का पॉज लेके कर रहा है वो, और इसको टाइम डॉट स्लिप को कब एग्जीक्यूट करता है, जब आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट टाइम, ठीक है। अभी सपोज आपको सितंबर मंथ का पूरा कैलेंडर देखने का है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट CALENDER कैलेंडर, अरे CALENDAR होगा कैलेंडर, 1 सेकेंड, CALENDAR कैलेंडर, कैल इज इक्वल टू, मंथ नाइन इसने क्या किया, मैंने यहां पे जब डाला कैलेंडर डॉट मंथ 2020, 9, मतलब सितंबर महीने का 2020 का जो मंथ है उसका कैलेंडर आप प्रिंट करो, जब मैंने प्रिंट CAL डाला तो, ठीक है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो महीना है ये कौन सा है हमारा, जुलाई, जुलाई का उसने कैलेंडर यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है।
इस वजह से अगर आपको चेक भी करना है तो आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को क्या है, आज सैटरडे, तो सैटरडे आज। तो इस वजह से आप पाइथन में रियल टाइम भी देख सकते हो, डेट देख सकते हो, महीना देख सकते हो, ईयर देख सकते हो, वीक वीक डे देख सकते हैं, एंड कैलेंडर भी देख सकते हैं। तो बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक जैसे कि यहाँ पे बताया, वो बताया तो मैं आपको, डेट टाइम में उतना ही है, इंपोर्ट डेट टाइम किया मैंने, एच इज इक्वल टू तो इसमें से आप जैसे कि परसेंट बी किया, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है उसमें जो यहाँ पे 6 था मतलब जून है, तो यहाँ पे परसेंट बी मतलब वो मंथ इंडिकेट कर रहा है, तो मंथ का आउटपुट उसने दे दिया। अभी ईयर चाहिए आपको, ऊपर में जो ऑलरेडी जो मैंने एक्स डिफाइन किया हुआ है उसमें मैंने डेट डाल दी है, ईयर डाल दिया है, तो वो उसी को रीड करने के लिए। इस वजह से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो जो चीज़ चाहिए आपको वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो उसका कीवर्ड, और उसके हिसाब से आप फेच कर सकते हो। मतलब एक जनरल भी बताया मैंने आपको, जनरल जैसे लेने का है तो वो भी बताया है, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी आर्गुमेंट पास मत करो, डायरेक्टली आप इससे भी कर सकते हो एक्स डॉट करके। अगर नहीं आपने यहाँ पे वो डाल दिया है, आर्गुमेंट डाल दिया मतलब आज की डेट डाल दी है, तो उसके बाद आपको इसमें से ये डाल दिया इसके अंदर, फिर आपको जो भी चाहिए वो आप परसेंट बी, परसेंट ए, परसेंट वाई वैसे करके उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज अबाउट पाइथन डेट एंड टाइम, सिंपल सा टास्क शीट था दैट वी हैव कंप्लीटेड। टुमारो वी विल सी फ्यू अदर थिंग्स, मे बी प्रोग्राम थोड़े से, देन इटरेटर्स भी हो सकता है देखेंगे, एंड जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज माई स्क्वेल। इजी बोल सकता हूँ मैं, बट प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी उसकी, बट वी विल ट्राई टू मेक इट इजी। आपको जैम्प है वो डाउनलोड करना पड़ता है, ये जैम्प के थ्रू यहाँ पे ये जो है डेटाबेस का सर्वर जो है माई स्क्वेल, वैसे दूसरा डेटाबेस जो होता है वो अपैचे होता है। ये है क्या, कंट्रोल पैनल है जो कि इन सारे सर्वर्स को हम लोग को कंट्रोल करता है, ये सारे सर्वर्स को। तो आपको माई स्क्वेल सर्वर मिल रहा है, अपैचे मिल रहा है, हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे माई स्क्वेल, माई एस क्यू एल। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, अब हम एडमिन में जाएंगे। कौन से एडमिन में जा रहा हूँ मैं, माई स्क्वेल के। तो इसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे एक टेस्ट कंडक्ट करनी है और उसके मार्क्स जो है वो सर्वर पे स्टोर होने चाहिए, तो मैं टेस्ट नाम का डेटाबेस स्टोर कर सकते क्रिएट करूंगा,
फिलहाल मैंने उसके अंदर कोई भी टेबल नहीं डाला हुआ है, तो टेबल डाल के मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या स्टूडेंट नेम चाहिए, एक एक सीरियल नंबर, एक स्टूडेंट नेम और उसके मार्क्स। तो तीन टेबल में तीन कॉलम में करके वो टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में कल बताऊँगा, तो क्या होगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं ये आपको इसलिए शो कर रहा हूँ, बाद में अभी फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि आप लोग जो है ज़ैम्प, SAMP, ज़ैम्प जो है वो डाउनलोड करो। आपके PC का वर्जन कौन सा है, 64 बिट है, 32 बिट है, वो आप इधर से चेक कर सकते हो। किधर से? तो माई PC पे जाने का, या माई कंप्यूटर में वहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाने की, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसे मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट का है, तो आप 64 बिट में डाउनलोड करूँगा, वैसे आपका सिस्टम जो है कौन से बिट का है वो आप डाउनलोड करो, ठीक है। तो इसके हिसाब से ज़ैम्प में जाओ, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, डाउनलोड करके रखा है मैंने, वहाँ पे जाके आप 64 बिट जो भी है आपका वो तो दिखता है वहाँ पे, 32 बिट टाइप करो, 32 बिट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। करके इसलिए बोल रहा हूँ, रखो, नहीं भी अगर आपको आ रहा है कोई बात नहीं, फिर मुझे कल बताओ, सो वी विल सी, ठीक है, कैसे करवाना है फिर डाउनलोड। तो फिर बाद में एक बार जब डाउनलोड हो जाता है, फिर हम लोग उसी कंट्रोल पैनल के थ्रू हमारे सर्वर पे जाएंगे, MySQL का जो सर्वर है, और मैं बताऊंगा आपको कल डिटेल में MySQL सर्वर पे कैसे डेटा ऐड करते हैं, बाकी सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो वेबसाइट बनाते हो उसके डेटा भी आप जो है ना कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हो, MySQL सर्वर भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसकी जो PHP में प्रोग्रामिंग होती है डेटाबेस के लिए, इसके वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए सर्वर यूज़ करते हैं हम लोग, MySQL यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग पाइथन के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग उससे रिलेटेड ही देखेंगे हम लोग फिलहाल। आज के सेशन में किसी को डाउट है कुछ? नो सर।